तरवीह की दुआ। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूती, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाई वल जबरूत। सुबहान अल-मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। यह तरावीह की दुआ है। इस दुआ का तर्जमा है सुबहान ज़िल मुल्की, हुकूमतों बादशाह वाले, वल मलकूती और अजीम शान सल्तनत वाले की ज़ात पाक है। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूती, हुकूमत व बादशाहत वाले और अजीम शान सल्तनत वाले की ज़ात पाक है। सुबहान ज़िल इज़्ज़ति, इज़्ज़त वाले, ताकत व ग़लबा वाले, बड़ाई वाले, गैरत व हमियत वाले, वल अज़मती, शान व शौकत वाले, वक़ार वाले, बड़ाई वाले, नखुवत व गुरूर वाले, वल हैबती, डर खौफ वाले, रोब व जलाल वाले, वक़ार वाले, वल कुदरती, ताकत व सकत वाले, तवानाई वाले, कुदरत व इस्तिताअत वाले, सलाहियत वाले, वल किबरियाई, किबरियाई बड़ाई वाले, तकब्बुर वाले, इज़्ज़त नफ्स वाले, इक़्तिदार व हुकूमत वाले, वल जबरूती, ताकत व कुदरत वाले, अज़मत वाले, ज़ोर व दबदबा वाले की ज़ात पाक है। हर ऐब से पाक है, मुनज़्ज़ह है। सुबहानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी, वो जिंदा बादशाह मालिक मुतलक की ज़ात पाक है। ला यनामु, जो ना सोता है, वला यमूतु, और ना ही मरता है। सुब्बूहुन, बहुत ही पाक है, हर ऐब से मुनज़्ज़ह है। कुद्दूसुन, बहुत ही मुक़द्दस है और हर ऐब से पाक व मुनज़्ज़ह है। रब्बुना, हमारा रब है, व रब्बुल मलाइकती, और फरिश्तों का रब है, व रूही, और रूह का रब है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, अजिरना मिनन्नार, हमें आग से बचा, या मुजीरो, ऐ बचाने वाले, या मुजीरो, ऐ पनाह देने वाले, या मुजीरो, ऐ बचाने वाले। तो ये इस तरावीह की दुआ है और इसका तर्जमा है। ये दुआ तरावीह रमज़ान में जब जो 20 रिकात तरावीह पढ़ते हैं तो हर 4 रिकात पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, और वो आराम करना मुस्तहब है। तो उसी दरमियान इस दुआ को पढ़ते हैं कि ये दुआ पूरा इस तरीके से हदीस में तो नहीं है, टुकड़े टुकड़े अल्फाज हदीस में मिलते हैं। तो फ़ुक़हा ने उन टुकड़ों टुकड़े अल्फाज को जमा करके ये एक लंबी दुआ बना दी है। तो इस दुआ को तरावीह के हर 4 रिकात में जो बैठते हैं आराम के लिए तो उस दौरान पढ़ते हैं। हालांकि इस दुआ को उस दरमियान पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही सुन्नत है और ना ही ज़रूरी है। और इस दुआ को ज़ोर से भी नहीं पढ़ना चाहिए और इस दुआ को इज्तिमाई तौर पर भी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि याद है तो इसको पढ़ लेना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं किसी दुआ को पढ़े, इसके अलावा कोई दूसरी दुआ भी पढ़ सकते हैं, कोई तस्बीह पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्द सकते हैं, या इसके अलावा कोई दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं, या फिर कुरान की आयत को पढ़ सकते हैं, कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, या फिर खामोश भी रह सकते हैं। आप कुछ ना पढ़े, खामोश रहें, तो ये उस वक्त ये सारी चीज़ों की गुंजाइश है। आप खामोश भी रह सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी दुआ भी पढ़ सकते हैं, कुरान की आयत भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। तो ये कोई सुन्नत नहीं है, सुन्नत समझकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी गुंजाइश है, तो इसको ज़रूरी नहीं समझना है कि अगर नहीं पढ़े तो गलत हो गया, या कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसको हम ताकीद दन कहे कि पढ़ो, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो दुआ जिस दर्जे की है उसको उसी दर्जे में रखना है। तो ये दुआ एक अच्छी है, इसका तर्जमा भी हमने बता दिया। आप इस दुआ को याद कर लें और पढ़ें, लेकिन सुन्नत समझकर नहीं पढ़ना है, और उतना ज़रूरी भी नहीं समझना है, उतना बुलंद आवाज़ से भी नहीं पढ़ना है, इज्तिमाई तौर पर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तरावी की दुआ है, इस दुआ को आप याद कर लें, और इस दुआ की जो जितनी इसका हक़ है उसी हक़ के मुताबिक ही इसको उसका हक़ दें। तो ये दुआ को एक बार फिर से देख लीजिए, तरवीहा की दुआ, तरवीहा बोले या तरावीह बोले, इसका माना होता आराम के। तो तरावीह की दुआ, सुबहान जिल मुल्की वल मलकूती, सुबहान जिल इज्जती वल अज़मती, इसको अज़मती पढ़ना, अज़मती नहीं पढ़ना है। अज़मती पढ़ने से माना गलत हो जाता है, दूसरे माना हो जाता है। वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत, सुबहान अल-मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारी या मुजीरु या मुजीर।